सो फाइनली कैसे भी हमारे पास एक फ़ोन आया है रियलमी का, और ये है रियलमी का C31 मॉडल, और इसके अंदर पासवर्ड FRP लॉक लगा हुआ है। तो कैसे इसको अनलॉक करेंगे UMT की मदद से, इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अंदर CPU जो है वो SPD का है, यानी कि यूनिसोक CPU है, और हम UMT का यूनिसोक वाला टूल यूज करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला हुआ भी है। तो इसकी मदद से इसे अनलॉक कर लेंगे हम। लेकिन एक चीज़ आपको पहले बता दूं कि ये चूंकि SPD CPU है, और रियलमी के कुछ ऐसे मॉडल हैं रियलमी C21Y, रियलमी C31, ये सारे मॉडल जो हैं इसका हार्ड रिसेट नहीं होता है। मतलब आप चाहोगे हार्ड रिसेट करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट करके चाहे जैसे भी, तो आप उसको बटन के जरिए हार्ड रिसेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको टूल का यूज करना ही पड़ेगा, और ऐसे में कई बार फोन क्या है हैंग ऑन लोगों पे आ जाता है या फिर रीस्टार्ट होने लगता है, तो उसमें मतलब हम लोग को फ्लैश करना पड़ता है। तो अभी हम इस टूल से इसको अनलॉक करके देखते हैं, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम इसे फ्लैश कर देंगे, और अगर नहीं आता है तो अच्छी बात है। बाकी इसका फ्लैशिंग का वीडियो हमने प्रॉपर बना के डाला हुआ है, बाकी आप लोग जाकर उसे चाहो तो देख सकते हो, जिसमें इसको हमने फ्लैश करके बताया है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम UMT से अनलॉक करने में आ जाती है तो कैसे आप उसे सही कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दबा के यहाँ पर केबल लगाएंगे, जिससे कि हमारा फ़ोन कनेक्ट होगा और यहाँ पर फॉर्मेट होगा। तो UMT का जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ फॉर्मेट पहले करूँगा, फिर यूज़र डाटा फॉर्मेट होने के बाद FRP करूँगा। हालांकि FRP के लिए इन टूलों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिस टूल में मतलब आपका कई सारे रियलमी कैसे फ़ोन है जो कि नॉर्मली स्टार हैश 813 हैश से भी अनलॉक हो जाते हैं। तो अभी उसको हम ट्राई करके देखेंगे। तो जब तक ये फ़ोन अनलॉक होता है, तब तक फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप से बस इतना ही रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा काम डन हो चुका है UMT में, और यहाँ पे हमने CPU वाइज किया है, मॉडल वाइज हमने नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ देखना रहता है, गूगल पर सर्च कर लीजिए अपने फ़ोन का मॉडल और उसका CPU सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा CPU लगा है। और आपको मॉडल पता चलने के बाद आप सिंपल सा CPU यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे इसमें T612 यहाँ पे CPU लगा हुआ है, और इसी के जरिए हमने इसको अनलॉक किया है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ध्यान रखना है, आपको CPU वाइज करिए चाहे मॉडल वाइज करिए, अगर आप हार्ड रिसेट का मतलब हो जाता है तो पहले हार्ड रिसेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है, खासतौर पे SPD यूनिसोक वाले CPU, क्योंकि अगर आप उसे हार्ड रिसेट की जगह पे आप डायरेक्ट UMT से फॉर्मेट करेंगे तो आपका, या फिर किसी भी टूल से, तो ज़्यादातर चांस है कि फ़ोन रिस्टार्ट होने लगे या फिर हैंग ऑन लोगों पे आ जाए। तो ऐसे में फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रियलमी C31 में फ्लैश फाइल जल्दी मिलता नहीं है। मैंने अपना जो वीडियो बनाया उसमें फ्लैश तो किया था, लेकिन इसका टच काम करना बंद कर दिया। मैंने 3-4-5 फाइलें जब ट्राई की, तब जाके उसमें से एक फाइल मुझे मिली जो कि टच काम प्रॉपर कर रहा था और फ्लैशिंग सक्सेस हुआ था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हूँ। उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फाइल का लिंक है, तो आप लोग उसे जाके डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि भविष्य में आपके पास Realme C31 अगर आता है तो आप उसका हैंडल कर पाएँ। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी समझ में आए कि अगर अदर किसी मॉडल में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं हमारा फ़ोन चूंकि फॉर्मेट हुआ है तो खुलने में थोड़ा समय लेगा। खुलने के बाद FRP करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोड टाइप कर देंगे तो ये खुल जाएगा। चूंकि हार्ड रिसेट नहीं हो रहा है तो इसलिए इसमें कोड और 100% में श्योर हूँ कि काम करेगा। बाकी जो हार्ड रिसेट हो जाता है उनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है। पुराने फ़ोनों में तो सभी में ही हार्ड रिसेट करने के बाद आपका फ़ोन नॉर्मली स्टार है 813 है से अनलॉक हो जाते थे, लेकिन कुछ नए मॉडल जब रियलमी के नए अपडेट के साथ आने लगे तो उनमें ये वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल ये फ़ोन खुलने में जब तक समय ले रहा तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और UMT की मदद से हमने इस टूल इस फ़ोन को अनलॉक किया है, और इसके पहले मैंने वीडियो बना के डाल दिया है YouTube पे, जिसमें हमने आपको सभी चीज़ें बता दी है कि अगर टच काम नहीं कर रहा तो कैसे फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, और उसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप लोग चाहो तो उसे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हो, और चाहो तो जैसे आप चैनल पे विजिट करके भी आप उसे देख सकते हो। अभी ये फ़ोन क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट हुआ है, अगर FRP किए होते सिर्फ तो बहुत जल्दी खुल जाता, लेकिन फॉर्मेट किए हैं तो समय थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। और जैसे ही फ़ोन खुलेगा आपको सिंपल सा कोड टाइप करना है। उसके बाद एक चीज़ और खास है, ये कोड टाइप करने में आपको सेटअप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप कोड टाइप करके FRP हटा के और आपको फिर से दोबारा सेटअप करना है, स्किप नेक्स्ट करके, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये डायरेक्टली वहाँ से FRP बाईपास होकर नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाता है। कैसे आता है आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे हमारा फ़ोन अभी ऑन हो चुका है, अब हम एक बार कोड डायल करके देखेंगे, *813# और ये कोड होता है जिसके ज़रिए हमारा फ़ोन हिंदी में अनलॉक होता है, मतलब बाईपास होता है, और *812# डालने से आपका चाइनीज वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोड डाला, हैश जैसे ही दबाया हमने फ़ोन रुक गया, और थोड़ी देर बाद देखिए FRP बाईपास। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने इसका FRP बाईपास कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसे जाके जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। We'll be right back.
हूँ।